एक बार फिर पब्लिक टीवी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड 23 में, जहां पर बीजेपी से पार्षद हैं अशोक सैनी जी, जिन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है और जनता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारतीय जनता पार्टी के दावेदार होने के बाद में जनता उन पर भरोसा जताएगी और वो विजयी होंगे। जानेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां चल? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से वार्ड 23 से प्रत्याशी दोबारा से घोषित किया है और हमारी तैयारियाँ जोरों पर हैं। हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं और बहुत अपार सम्मान मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और हम 120% विजयी होंगे ऐसा हम। जहाँ तक विकास की बात करें तो कितना क्षेत्र का विकास हुआ है? मेरे क्षेत्र में मैंने काफ़ी विकास हुआ है और जबकि समाजवादी की सरकार थी जिसके वजह से कुछ काम अधूरे हैं और अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी और राज्य में भी अब पूरे क्षेत्र के विकास कार्य बहुत भरपूर होंगे और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। जिस तरीके से देखें कि अगर और बहुत सारे प्रत्याशी सामने आए हैं, बहुत सारे प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? वो सब प्रत्याशी एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी से मैं अशोक सैनी मैं एक तरफ चुनाव लड़ा हूँ और पूरे अपार समर्थन के साथ पूरी जनता मेरा सहयोग कर रही है। सारे समाज के लोग मेरे साथ तन और मन और धन से खड़े हैं और बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी, अब तक बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट कभी नहीं उतारा था, लेकिन उसके बाद में आज फिर एक बार पहली बार निकाय चुनाव में सिंबल के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उसे कैसे कहेंगे, उस परेशानी को कैसे सामना? हमारे 5 साल बेमिसाल रहे हैं और आने वाले साल भी 5 साल जो होंगे बेमिसाल होंगे, क्योंकि जो है हमने जो जनता के बीच में हम रहे हैं, जनता के जो कार्य किए हैं उससे जनता बहुत खुश है और उनको टिकट मिलना, बसपा से किसी को भी टिकट मिलना हमारे किसी भी तरीके से हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे कि वो सब एक तरफ और हम अकेले एक तरफ। आने वाले समय में जनता से क्या अपील करेंगे और क्या उम्मीदें रहेंगी जनता से? मैं जनता से अपील करूंगा कि जिस तरीके से मेरे को पिछली बार भरपूर सहयोग किया था उस तरीके से पूरी जनता से सहयोग करे जिससे हम जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें भरपूर तरीके से हम पूरा करा सकें और जो भी कार्य हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो ये थे हमारे साथ में अशोक सैनी जी, जिन्होंने हमारे साथ में हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। अब देखना यह हुआ कि आने वाले समय में जनता किस पर भरोसा जताएगी और किसे अपना पार्षद चुनेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक के विकास कार्यों की बात करें तो ये साफ तौर पर कहा जाए तो इनका कहना यह है कि हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। अब देखते हैं कि सहरा किसके सर पर सजेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया।